जिला में जल्द ही 66 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल योजना शुरू होने जा रही है। कोल डैम पेयजल योजना के अंतर्गत कोल डैम से पानी उठाया जाएगा, जिसके बाद सदर की 16 पंचायतों में इस पेयजल योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और जल्द ही कार्य शुरू होने जा रहा है। इस पेयजल योजना से 1,00,000 लोग लाभान्वित होंगे। जानकारी देते हुए सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि आने वाले समय में बिलासपुर शहर में पानी की कमी नहीं रहेगी। वहीं बरमाना क्षेत्र की आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के लिए 24 करोड़ की एक पेयजल स्कीम तैयार की गई है, जिसके तहत इन पंचायतों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कोल डैम से पानी उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सदर हल्के में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। हालांकि लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच निर्माण कार्य की रफ्तार जरूर थम गई थी, लेकिन अब ये सुचारू हो गई है। उन्होंने बताया कि 2.25 करोड़ लागत से हल्के के विभिन्न क्षेत्रों में 25 जल भंडारण टैंकों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इन 25 में 6 ओवरहेड टैंक बनेंगे। इसके साथ ही कोल डैम पेयजल योजना से छूट चुकी आधा दर्जन ग्राम पंचायतों को 24 करोड़ की पेयजल स्कीम बनाई गई है, जिसकी टेंडरिंग को लेकर प्रोसेस चल रहा है। एक अच्छा माहौल और वातावरण भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो म्युनिसिपैलिटी का हमारा जो परिणाम आए हैं, ये परिणाम इंगित करते हैं और इससे लोगों में और जो हमारी विजय यहाँ पर हुई है, इससे हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों को जन कल्याणकारी और आम व्यक्ति को जिसका लाभ मिला है, वह सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद, BDC और पंचायत प्रधानों को विजयी बनाने के लिए उनमें उत्साह, इस म्युनिसिपैलिटी के विजय के बाद उत्साह हुआ है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जिला परिषद और पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के विकास और जन कल्याणकारी नीतियां उनके ऊपर मोहर लोग। हर पंचायत में हमने विकास के काम किए हैं और पानी की विशेष रूप से पूरे चुनाव क्षेत्र में हमारी 66 करोड़ की जो पीने के पानी की स्कीम कोल डैम थी, वो कांग्रेस के टाइम में डिफंक्ट हो गई थी, तो उसको भी हमने एक साल में सर्वाइव करा के 1,00,000 लोगों को उसका पीने का पानी मिल रहा है। 19 करोड़ की लागत से हम सतलुज से पानी उठा रहे हैं। ये हम पीर व्याणु से जो हमारे जितने भी पार की 15 पंचायतें हैं, इन सबको वो 19 करोड़ की जो स्कीम है, इससे सबको पानी मिलेगा। क्योंकि सिरखट से जो पानी उठता था वो बरसात में गंदला होता था, लोगों को नहीं मिल पाता था, कहीं मोटरें चली जाती थी, कहीं वो लिफ्ट नहीं हो पाता था, इसलिए हम गोविंद सागर से 19 करोड़ की या 16 पंचायतों में जाएगा। और उसी तरह से कोल डैम 1,00,000 लोगों को पीने का पानी हम मुहैया करा रहे हैं। और उसी तरह से धारटटो से लेकर नहर हरनोड़ा तक, ये हमारी जितनी भी 6-7 पंचायतें थी, इसमें यह कोल डैम का पानी, पीने का पानी नहीं मिलता था, वहां पर हमने एक और कोल डैम से 10 करोड़ की लागत से नई योजना शुरू की है। और उसका, इन दोनों का 19 करोड़ और 10 करोड़ इसके टेंडर हो गए हैं और इसका काम शुरू हो जाएगा, ये अलॉट हो गए हैं। और उसी तरह से बिजली के मामले में भी हमने